Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And today's video is regarding February 2001 love reading. And one by one, you know, आपने thumbnail में आपकी राशि पढ़ ली होगी, introduction video है. So आपकी राशि के according आपको आपका video देखने मिल जाएगा. But अगर आप मेरे channel पर new हैं, so don't forget to subscribe and like this channel and share with your loved ones. बिकॉज इस चैनल पर आपको मंथली वीकली रीडिंग्स देखने मिलती हैं एंड ऑल्सो अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं. कोई अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो रेस्ट विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर फेब्रुवरी 2021. वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है 14 फेब को. सो यू नो जो भी रीडिंग्स देखेंगे फेब्रुवरी मंथ में, आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे. ये वैलेंटाइन आपके लिए काफ़ी लकी हो, शुभ हो, यू नो सारी आपको ब्लेसिंग्स मिले. आपकी लव लाइफ में कहीं पर रिकवरी की नीड है तो वो भी ऊपर वाला कृपा करे, दृष्टि करे आपके ऊपर ज़रूर. ऑल द गुड लक एंड विशेस. इसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी. थैंक यू सो मच. हेलो लियोस, सो वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर फेब्रुवरी 2021 रिगार्डिंग योर लव लाइफ. लियोस, मैं कहना चाहूँगी कि जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि पहली चीज़ तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड स्ट्रॉन्ग रहेंगे. अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए आप आ रहे हैं एंड ये मंथ में भी आपकी नो फीलिंग ऐसी रहेगी कि देखो यार मेरी ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ फेस किया, तो मुझे अगर जेन्युइनली कोई चीज़ अगर अपनी लाइफ में चाहिए तो मेरे को ऑनेस्टी चाहिए, सच चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, ऑनेस्ट लोग चाहिए. मैं अब और ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकता हूँ लाइफ में. अगर मैंने शादी भी करनी है, अगर मैंने रिलेशनशिप में भी जाना है, तो ना पास्ट के कुछ ऐसे ज़ख्म में से हर्ट है आपके मन में कि अब आप वो रिपीट नहीं करना चाहते. आप ऑलरेडी दुनिया से बहुत लड़ के आए हैं, बहुत कुछ फेस किया है, सफ़र किया है, तो इस मंथ में वो आप वो रियलाइज़ करेंगे एंड वो चीज़ समझेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. कहीं ना कहीं आप वो पेन से गुजरते हुए आए हैं लियोस. सो ये मंथ में आपकी एनर्जी होगी यार बस अब और नहीं, जो कहना है सीधा सीधा कहो, सच सच कहो, सीधी सीधी बात करो. यू नो और आप प्रैक्टिकल भी बहुत रहोगे लव लाइफ में. आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग भी रखेंगे इन दिस मंथ. यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल कि देखो अगर आप रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कहोगे भाई बता दूँ क्या करना है क्या नहीं, वैसे ही चलो. कोई अगर गुस्सा होगा तो बात को लंबे टाइम तक पकड़ के रखेंगे लियोस इन दिस मंथ में. जल्दी गुस्सा हो सकता है, जल्दी चिड़चिड़ हो सकती है, तो ये देखा जा रहा है. सो यस, कई बार आप बातों में रूड भी हो सकते हैं. आपके पार्टनर की अगर हम कार्ड्स एंड एनर्जीज देखते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो बताता है कि आपके पार्टनर भी आई थिंक जितने आप ऑनेस्ट प्रैक्टिकल रहोगे आपके पार्टनर भी कुछ हद तक उतने दिखते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने आप रहोगे. आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं लियोस. तो सब में कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इन दिस मंथ में पहली चीज़ तो दोनों ही ज़रा बात थोड़ी ध्यान से करें. एंड ना मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगी, आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड भी है ना बड़ा अच्छा है, तो कनेक्टिंग है काफ़ी. बट आपके लिए लियो सबसे पहला सजेशन ये बनता है विद योर गाइडेंस कार्ड एंड एवरीथिंग जो मैं लास्ट में बताऊंगी. ये मंथ में अगर कोई चीज़ का डिस्कशन करना है, बात करनी है, तो बड़ी आराम से शांति से बैठ कर करें. पहले ही कम्युनिकेशन करने से पहले ही डिसाइड कर लें कि भैया एक दूसरे को ईगो को नहीं हर्ट करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो जो हम चाहते हैं वो हम रखेंगे दिल से. एंड अगर हम ये कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो शांति से एक दूसरे को स्पेस दे देते हैं. अगर बात पार्टनर से नहीं हो पा रही है तो बात अलग है, फिर वेट ही करना पड़ेगा. अब जब सामने वाला बात करने कोई राज़ी नहीं तो भैया क्या कर सकते बताओ. जब वो राज़ी होंगे भैया तब करेंगे. या किसी वे से अगर आप उनको कम्युनिकेशन अपनी पहुँचा सकते हो तो ठीक है, बिकॉज गाइडेंस कार्ड भी आपका कुछ इसी तरीके से मैं एंड में बताऊँगी. बट या कम्युनिकेशन रखें, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत ही क्लियरली रखें कि हमने फाइट नहीं करनी, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है. जो जो हमारी डिमांड है, पॉइंट है, बस वो रखें, बाकी की बात को जाने दें, आगे बढ़े. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो इस तरीके रखने का आइडिया रखें तो अच्छा माना जाएगा. बाकी
आगे अगर हम बात कर लें कि भैया करंट एनर्जीज फेब्रुअरी मंथ की कैसी रहेंगी, आउटकम में क्या दिखता है, समवेयर अगर देखो प्रॉब्लम्स कोई छोटी मोटी चल रही हैं डीओज आपकी लाइफ में, तो फेब्रुअरी मंथ में वो ठीक हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। जो लोग फेब्रुअरी मंथ में कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते की उम्मीद कर रहे हैं, रिश्ता होने की, शादी होने की उम्मीद करें, तो अच्छे योग बने हुए हैं, शादी होने के भी चांसेस हैं फेब्रुअरी मंथ में, काफ़ी अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं। समवेयर और दी अदर कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी दिखती है रिलेशनशिप में। अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें रिकवरी भी हो सकती है, अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। करंट कार्ड आपका बड़ा अच्छा कार्ड है, द सन का कार्ड है, यही बताता है कि नो अच्छे पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, रिकवरी की भी अच्छी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सो समवेयर अगर हम आउटकम कार्ड को भी देखते हैं, अगेन हमारा ये कार्ड मैरिज को भी इंडिकेट करता है, दोस्ती को भी इंडिकेट करता है। सबसे पहली चीज़, इनकी लाइफ में कहीं ना कोई कोई क्रश है क्या आपके, ये पसंद के जिसको आप पसंद करते हो, क्या उससे बात आगे बढ़ेगी फरवरी मंथ में? तो जी हाँ, बात आगे बढ़ सकती है, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, अच्छी एनर्जीज देखी जा रही है आपके लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यार लियो, समवेयर पॉजिटिविटी बनी हुई है, अच्छी चीज़ है। मैं कहूँगी अगर कोई प्रॉब्लम्स भी, अच्छी कम्युनिकेशन करोगे उसमें भी रिकवरी आ सकती है। सो नो समवेयर आई सी, अगर हम बिगिनिंग के आपके कार्ड्स की एनर्जीज देखें, थोड़ी सी तनाव वाली है, स्ट्रेस है इस तरीके से, बट देन आगे जाते ही वो चीज़ों में अच्छी रिकवरी भी दिखती है। सो लियोज आप पॉजिटिव रह सकते हैं कि भैया इन दिस मंथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो सकता है, रिकवरी, पॉजिटिविटी। बट सब में अगर उन्होंने सामने वाला बात नहीं सुन रहा, आपकी नहीं समझ पा रहे, तो कुछ कर नहीं सकते। बट ठीक है, अगर सुन ले समझ ले तो सल्यूशन, रिकन्सिलेशन, इम्प्रूवमेंट, सॉर्ट आउट चीज़ें हो सकती है इन दिस मंथ। गाइडेंस कार्ड की अगर आप बात कर ले तो बड़ा अच्छा कार्ड आया है, जैसे मैं कह रही थी, सो इट सेज यू नो कम्युनिकेटिंग क्लियरली, यू नो दोनों लड़का लड़की हैं, दोनों की आंखों से कहीं ना कहीं आंसू भी आ रहे हैं, दुखी हैं, वो अपना दुख जेनुअनली एक दूसरे को बता रहे हैं एंड क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं भैया हम क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही ना तलवार लेके आते हुए मेरे को दिख रहे हैं, लड़का लड़की इसके हाथ में भी तलवार है, भैया कुछ बोल तो मैं तलवार निकालूँ। लड़का भी कह रहा है भैया मैं भी तलवार के साथ में हूँ, तो यू नो इट्स लाइक हम शब्दों से वार करेंगे, इट्स नॉट लाइक रियली आप दोनों तलवारें निकाल लें। बढ़िया, शब्दों की फाइट हो सकती है, शब्दों की अनबन हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो कोई पास से, फेब्रुअरी मंथ में वो एनर्जीज रह सकती है। बट इसे सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही रास्ता है, अगर जेनुअनली आप दोनों रिश्ते में रहना चाहते हो, सो कॉम्प्रोमाइज़, कम्युनिकेशन करने का माइंड सेट रखें, वो चीज़ों को रिजॉल्व एंड इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है इन दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी लियो, दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू। बाकी जो लोग अपनी लाइफ में इन जनरली एक क्रश है, किसी को पसंद करते हो, शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो यस यहाँ पे शादी के भी अच्छे योग बने दिख रहे हैं फेब्रुअरी मंथ में, अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती है लियोज आपके लिए। यस अगर मुझे कुछ और कुछ आपके लिए अगर इस मंथ में ऐड करना हो, गाइडेंस देनी हो, तो एक चीज़ ज़रूर इंडिकेट करूँगी, जिनकी लाइफ में कोई अच्छा उनका दोस्त बना हुआ है, किसी अच्छे दोस्त से यू नो अगर शादी के लिए देख रहे हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई दोस्त है, आपको लग रहा है कि क्या ये मेरे दोस्त जो भी करंट है इससे मेरी शादी हो सकती है, जिससे मैं करंटली अच्छी मेरी दोस्ती कंपैटिबिलिटी अगर कैसे हो सकती है, तो वहाँ पर भी अच्छे योग चांसेस बने हो सकते हैं कि किसी अच्छे कंपैटिबिलिटी दोस्ती होने के बाद में उससे शादी हो, इस प्रकार के भी योग बन सकते हैं, तो उसके भी अच्छे चांसेस हैं। जिनकी लाइफ में ना कोई नई नई दोस्ती हुई है, नए नए कनेक्शंस बन रहे हैं, तो क्या ये नए नए कनेक्शंस रिलेशनशिप में बनने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी कार्ड्स कहीं ना कहीं यस के इंडिकेशन दे रहे हैं। सो अच्छी दोस्ती, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ही आप चीज़ों की शुरुआत करें, जहाँ पर आपको अच्छा कनेक्शन लग रहा है वहाँ पर अच्छा हो सकता है। यस अगेन हमारी थीम तो वही है लियोज आपके लिए इन दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी, दैट इज़ यू नो कम्युनिकेट क्लियरली, सही कम्युनिकेशन रखे, वो आपके लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा इन दिस मंथ। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ ना करें, कंप्लेंट ना करें, जो आप चाहते हैं बस उतना ही कहिएगा, और सामने वाले से भी वही उम्मीद करें, तो अगर उसमें कुछ सोल्यूशन मिल पाए अच्छी बात है, तो ये सजेशन है आपके लिए। सो रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोस, ये थी आपकी इस मंथ की रीडिंग। कनेक्ट हो पाए हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।